नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर को हम लगातार कवर कर रहे हैं। इसमें कोई भी अपडेट या कोई भी न्यूज़ निकल के आती है या कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है, हमने आपको हर एक अपडेट को, हर एक नोटिफिकेशन को पहुंचाया है। इस शेयर को हम लगातार जो है आपके लिए सजेस्ट करते आए हैं कि आप इस शेयर को खरीद के रख लीजिए। लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको बहुत तगड़ा पैसा आके देगा और आप देख सकते हैं लगातार इसमें अपर सर्किट पे अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। और हमने अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, हमने आपको इस शेयर के बारे में सजेस्ट किया था कि आप इस शेयर को बिल्कुल खरीद लीजिए। उस लिस्ट में हमने आपको जो है ट्राइडेंट लिमिटेड का नाम दिया था। और इसके अलावा हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसमें जो ये अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं उसका रीज़न क्या है, क्यों इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं और आगे और भी ज़्यादा तेज़ी इसमें आने के क्यों और भी ज़्यादा चांसेस हैं। और हम बात करेंगे इसके आगे के कौन से टारगेट रहेंगे, आपको फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो कौन सा लेवल आपका फ्रेश बाइंग का रहेगा, और आगे का जो है अगर इसमें गिरावट देखने को मिलती है तो कौन सा सबसे अच्छा सपोर्ट रहने वाला है, और इसमें क्या जो तेज़ी देखने को मिल रही है ये बरकरार रहने वाली है या इसमें जो है आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ये सब बातें हम करेंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा एक खबर भी है, उस खबर को जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। और साथ ही साथ जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आकर जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको फ्री में इंट्राडे के ट्रेड, बीटीएसटी स्टॉक, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के सबसे अच्छे स्टॉक होते हैं, जिस सारी सुविधा जो है हम आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना है। और आप देख सकते हैं हमने आपको कल के दिन जो है एक डिक्सॉन की एक ट्रेड दी थी, आप देखिए डिक्सॉन की हमने ट्रेड दी थी कल के दिन, और टारगेट दिया था हमने आपको 5200 रुपए का। ये हमारा शॉर्ट टर्म का जो है स्टॉक हमने आपको दिया था, ये अभी आज के दिन जो है ऑलमोस्ट 5000 रुपए के आसपास पहुंच चुका है और काफी जल्दी जो है हमारा 5200 का टारगेट जो है आराम से अचीव हो जाएगा। और लगातार जो है हम आपको इसमें अपना इंट्राडे के ट्रेड लोज पर डे 3-4 आपको इंट्राडे के ट्रेड देते हैं, और आपको हमने इसमें लिस्ट भी दे रखी है अच्छी एक पहले स्टॉक की, और लॉन्ग टर्म के जो सबसे अच्छे स्टॉक है वो भी हमने आपको दे रखे हैं इस ग्रुप में। और इसके अलावा सेक्टर वाइज काफी अच्छे तरीके से आपको एनालाइज करके जो सेक्टर काफी अच्छा जो है फ्यूचर में परफॉर्म करेगा और करंट में अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीजें जो हमने आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड कर रखी, तो उसको जाके भी आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। किसी भी प्रकार का आपको चार्ज नहीं देना है इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, तो अभी जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, काफी आपको फायदा होगा इस ग्रुप को ज्वाइन करने से। और देखिए हमने आपको लिस्ट भी दी थी पनी स्टॉक की, आप देख सकते हैं इस लिस्ट को, ये हमारे 21 सितंबर को हमने आपको प्रोवाइड की थी। और 21 सितंबर को देखिए हमने सबसे पहला नाम दिया था किसका, ट्राइडेंट का। देखिए 21 सितंबर की बात है ये, और आज देखिए आज 10 अक्टूबर हो चुकी है, तो कितना अच्छा हमने आपको अच्छे प्राइस पर बाइंग कराई थी इसमें, और तगड़ा जो है क्योंकि इससे पैसा बनाया है। नंबर वन हमारा स्टॉक था ट्राइडेंट लिमिटेड था, तो हमने बहुत पहले से आपको ये शेयर सजेस्ट करते हुए आ रहे हैं। तो हम चलते हैं इसमें कैसे क्या आज के दिन ट्रेड चली, तो आप देखें आज के दिन भी इसमें अपर सर्किट देखने वाला है 4.93% का, 1.45 रुपए की इसमें तेजी आई है, अभी ये 30.85 रुपए पर जो है ट्रेड कर रहा है। वन वीक की बात करें तो वन वीक में देखिए 23.40% के आसपास की इसमें बढ़ोतरी हुई है शेयर में, 5.85 रुपए की जो है शेयर में तेजी देखने को मिली है, सिर्फ और सिर्फ एक सप्ताह की बात कर रहा हूं मैं। वन मंथ में देखें तो वन मंथ में ऑलमोस्ट 29% से ज्यादा रिटर्न इसमें देखने को मिल रहे हैं, 6.95 रुपए की जो है इस शेयर में बढ़ोतरी हुई है। ये तो बात रही कंपनी की, तो कंपनी बहुत ही ज्यादा फंडामेंटली अच्छी स्ट्रांग है, कंपनी बहुत ज्यादा जो है इंडिया में डोमिनेट करती है, साथ ही साथ जो है इस कंपनी का जो है विदेश में भी काफी जो है विस्तार हो रखा है। अगर हम देखें खबर क्या है, तो खबर ये थोड़ी सी पुरानी है 30 सितंबर की, लेकिन ये इस खबर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है उसका रीजन देखिए, इसमें अपर सर्किट लगे हैं, इसका जो है इस खबर से काफी लेना देना है। देखिए मैं बताता हूँ खबर क्या है, तो ट्राइडेंट हिट्स 52 वीक हायर आफ्टर रिसीविंग रेटिंग ऑन बैंक फैसिलिटी फ्रॉम क्रिसल। तो क्रिसल जो है वो एक कंपनी है जो रेटिंग देती है सारी कंपनीज को, जैसे बड़े कंपनियां उन सबको रेटिंग देती है, जैसे एक बैंक फैसिलिटी एक जो है एक सेक्टर है, अलग अलग सेक्टरों में ये कंपनी जो है रेटिंग देती है कंपनियों को। तो इसने जो है अपने ट्राइडेंट लिमिटेड को जो अपनी रेटिंग दी है उसके बारे में ये खबर है कि क्रिसल रेटिंग हैज अपग्रेडेड इट्स रेटिंग ऑन लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटी ऑफ ट्राइडेंट लिमिटेड टू क्रिसल AA स्टेबल फ्रॉम क्रिसल AA माइनस और पॉजिटिव। ये देखिए इन्होंने इसमें ए स्टेबल में उनको अब अपनी अपनी जो उनकी बैंक फैसिलिटी है इसके लिए की रेटिंग अपग्रेड कर दी है, और इसके अलावा द रेटिंग ऑन द शॉर्ट टर्म फैसिलिटी एंड कमर्शियल पेपर हैज बीन रीअफर्म्ड एट क्रिसल A1+। मतलब कि शॉर्ट टर्म की जो फैसिलिटी उस पर A1+, और जो लॉन्ग टर्म है उसमें क्रिसल AA स्टेबल इन्होंने जो है रेटिंग दी है, मतलब कि रेटिंग को अपग्रेड किया है और तगड़ी इनको रेटिंग दी है। अगर बात करें कंपनी की, अपनी जो कंपनी है ट्राइडेंट लिमिटेड बहुत ही तगड़ी कंपनी है, टेक्सटाइल की समझ लीजिए इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में से आप समझ सकते हैं ये है, एक है, और इसका काम केवल इंडिया में नहीं विदेशों में भी फैला हुआ है। ऑलमोस्ट 40% रेवेन्यू जो है इनका इंडिया से आता है और 60% जो है बाकी के विदेशों से आता है, जैसे अपना USA हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सारे देशों से जो है काफ़ी इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। ऑलमोस्ट 20-30% जो रेवेन्यू है इनका USA से जो है इनका आता है, तो काफ़ी इनका फैला हुआ बिजनेस है और लगातार ये कंपनी बड़ी होती जा रही है और फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी। तो मैंने आपको काफ़ी पहले से इस
कंपनी को सजेस्ट किया और आपको बोला था कि आपको इससे अच्छी कंपनी इस प्राइस पर नहीं मिलेगी, याद बिल्कुल थे। और इसमें कुछ अभी जो सोर्स में जो न्यूज़ आ रही, वो ये आ रही कि इसमें बोनस भी आपको मिलने वाला है, मतलब कि आपको 1:4 मतलब कि 100 शेयर के बदले 500 शेयर का जो है बोनस भी आपको मिल सकता है इसमें। ऐसा भी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि इसमें बोनस आ सकता है, क्योंकि स्प्लिट तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि अभी ऑलरेडी ये 30 रुपये के आसपास पर है, तो स्प्लिट होने का तो कोई चांस ही नहीं है, लेकिन इसमें बोनस एंड डिविडेंड मिल सकता है, क्योंकि इनका रेवेन्यू काफ़ी अच्छे जनरेट हो रहा है, और ये हो सकता है कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करे बहुत जल्द, और बोनस भी ये कंपनी ला सकती है। तो काफ़ी जो है अभी इनकी ऑफिशियल की तरफ से किसी प्रकार का भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन हमने आपको इसको लेकर एक अपडेट दे दिया है कि इसमें हो सकता है कि बहुत जल्दी बोनस देखने मिले। और बाइंग बात करें इसकी कि कौन सा आपका आगे का इसमें लेवल रहने वाला है, तो आपको याद होगा हमने आपको 19 रुपये 15 पैसे ये आपका लेवल था, हमने आपको यहाँ बाइंग कराई थी, और आपको टारगेट नंबर में जो दिया था वो दिया था हमने आपको 22 रुपये 25 पैसे का, माफ कीजिए 22 रुपये 55 पैसे का हमने आपको दिया था टारगेट नंबर वन। और देखिए ये हिट हुआ था, और इसका देखिए इसमें आई थी गिरावट, और आपने बोला था सर कि इसमें तो गिर गया ये, अब तो ये नीचे आने वाला, लोग बहुत पैनिक कर गए थे, लेकिन हमने आपको बोला था कि ये गिरा है, ये बहुत जल्द फिर से चढ़ेगा। फिर देखिए थोड़ा इसमें तेजी आई हल्की हल्की गिरावट के साथ, फिर देखिए इसने क्या किया, सीधे ये पहुंचा कहाँ पर 26 रुपये 30 पैसे पर। तो देखिए आप 19 रुपये 15 पैसे के लेवल पर हमने बाइंग की थी, और 26 रुपये 30 पैसे का इसने सफर तय किया, मतलब कि तगड़ी तेजी। और हमने आपको स्टॉप लॉस दिया था कितना, 18 रुपये 35 पैसे, मतलब कि आपका ऑलमोस्ट 1 रुपये के आसपास का नुकसान होना था अगर होता तो, लेकिन देखिए आपका वो नुकसान हो ही नहीं पाया, क्योंकि ये इस लेवल तक गए नहीं, मतलब कि आपका स्टॉप लॉस इस शेयर में हिट हुआ ही नहीं, हमने आपको जो लेवल दिया था उसी लेवल से देखिए इसने पुल बैक दिया, और देखिए इसने कितनी तगड़ी पर चढ़ाई की, पहुंचा 26 रुपये 30 पैसे तक, और हमारे टारगेट नंबर वन को हिट किया, और उसके बाद फिर देखिए इसमें हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आई, और उसके बाद से देखिए ये फिर से ऊपर चल पड़ा, और अब ये 30 रुपये के लेवल तक पहुंच चुका है। ये हमारा टारगेट नंबर जो 2 था 27 रुपये 95 पैसे, ये भी हमारा हिट हो गया था। सारे के सारे हमारे लेवल अभी तक बिल्कुल परफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। हमने आपको जो बाइंग दी थी देखिए 19 रुपये 15 पैसे पर बाइंग कराई थी, और ये 30 रुपये पर पहुंच चुका है। आप खुद देखिए कितना 50% के आसपास के आपको रिटर्न इससे इतने कम समय में मिल चुके हैं, और ये कंपनी यहाँ तक नहीं रुकने वाली, कंपनी और भी तगड़ा आपको पैसा आके देगी। और आपको जो अगर बाइंग करना है तो बाइंग के लिए मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा इसमें आप रिस्क थोड़ा सा है, अगर आप रिस्क उठाना तैयार है तो आप इसमें बाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो करंट लेवल पर आप बाई करके अपना स्टॉप लॉस जो है ये आपका 26 रुपये 30 पैसे का आपका ये लेवल है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो आप जो है स्टॉप लॉस अगर मैं कहूँ आपको करीब करीब या 25-26 रुपये के आसपास का जो है स्टॉप लॉस देखिए इसमें अपनी बाइंग कर सकते हैं। अगर आपका इसमें स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका इसमें जो जितना भी लॉस होगा आराम से कवर हो जाएगा। अभी बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की जरूर है, अगर इसमें आप वेट करना चाहते हैं तो आप इसे वेट भी कर सकते हैं। 26 रुपये 30 पैसे ये आपका काफ़ी अच्छा जो है लेवल है आपका, ये मैं आपको कर देता हूँ मार्क, 26 रुपये 30 पैसे काफ़ी अच्छा आपका ये सपोर्ट रहेगा। इसमें क्या गिरावट का रीज़न क्या है, अगर आ सकती है तो एक तो प्रॉफिट बुकिंग, एक तो गिरावट का रीज़न है क्योंकि ये देखिए ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। देखिए इसका RSI ऑलमोस्ट देखें तो करीब करीब 80-85 के आसपास का इसका RSI पहुंच चुका है, मतलब कि ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। और इसके अलावा ये कंपनी जो डिविडेंड आने वाली है, तो डिविडेंड में क्या होता है, जो अपना डिविडेंड जो कंपनी देती है वो अपना शेयर प्राइस में जो है एडजस्ट होता है, तो हो सकता है कि इसमें हल्का फुल्का जो है गिरावट आपको देखने को मिल सकती है आगे आने वाले समय में, इसलिए थोड़ा सा बाइंग करना अभी थोड़ा रिस्की है। अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपका बहुत अच्छा पैसा अभी इससे बन रहा होगा, तो आप इसमें चाहें तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वरना आप इसको लॉन्ग टर्म में तो आराम से जा ही सकते हैं, लॉन्ग टर्म में तगड़ा पैसा इससे बनना ही बनना है। ये कंपनी इतना अभी रुकने नहीं वाली कंपनी, बहुत आगे जाएगी, तो आप इसको अगर चाहते हैं बाई करना तो बाई भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, और जो मैंने आपको लेवल दिए हैं आपके ये लेवल रहेंगे बाइंग करने, कौन सा 26 रुपये 30 पैसे अगर आप इसमें वेट करना चाहते हैं तो। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा कितने का, आपका स्टॉप लॉस है 25.5 रुपये या 26 रुपये के आसपास का, आप स्टॉप लॉस रख के इसमें अपनी बाइंग कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल प्रोवाइड कर दिए, और आगे का इसका टारगेट जो रहेगा ये अब ऊपर जाने ही वाला है, ऑलमोस्ट इसका टारगेट 50 रुपये 100 रुपये ये आराम से लॉन्ग टर्म में अचीव करेगा, ये बात बिल्कुल है। तो दोस्तों यहीं तक था वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार से अपना प्यार हम पर बनाए रखिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, और इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आके जाके आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, उसमें भी हमने आपको काफी पहले शेयर सजेस्ट किया था, तो आप उस लिस्ट को आके चेक कर सकते हैं, ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।